बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और कोविड से सुरक्षित होंगे। तो अगर आपको बैकग्राउंड देख के लग रहा है ये तो अलग है, सो यस आई हैव मूव्ड इन। और ये वीडियो मेरे इस घर में शूट करने वाला पहला वीडियो है। ये कोई होम टूर या हाउस टूर नहीं है, लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग वीडियो है मेरे लिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ऑर्डर फ्रॉम आइकिया और आज मेरी सारी चीज़ें डिलीवर हो गई है। वैसे ये घर तो फुल्ली फर्निश्ड है, वो आपको स्नीक पीक में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप घर सेटअप करते हैं उसके लिए आपको चाहिए। सो तो इसके अंदर है मेरे सारे आइकिया के प्रोडक्ट्स। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक मिरर है जो अभी मैंने साइड में लगा के रखा हुआ है। कैची दोनों मेरे पास है एंड लेट्स सी व्हाट हैव आई ऑर्डर्ड। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान है मेरे कार्ट में, लगभग 50-60 आइटम थे जो एक साथ ऑर्डर हुए। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ये कंटेनर है, ऐसे मैंने दो कंटेनर ऑर्डर किए हैं एंड इसमें आप आटा दाल चावल कुछ भी रख सकते हो। वैसे यहाँ पे मैं आटा रखने का प्लान नहीं कर रही हूँ, रेडीमेड रोटी मिलती है जिसको आप माइक्रोवेव में गर्म करके खा सकते हो, बट इसे मुझे मोस्टली फॉर डाल इन। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है एक चाय का कप जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे इतना बड़ा लगा नहीं था कि होगा, बट यार इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल से एंड वन कॉफी मग। तो क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने अकेले एक इंसान के हिसाब से ऑर्डर किया है, या फिर कोई और एक या दो जन आ जाए तो रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर कभी कभी 5-6 लोग आ गए, आई डोंट नो व्हेदर मेरे प्लेट फैंस कुछ भी नहीं है। तो ये एक एलईडी कैंडल है, ये डबल ए बैटरी से चलती है और जब भी जलता है ये पूरा कैंडल जैसा दिखता है। सो लेट्स सी, ओके तो बिना जले तो ये कैंडल जैसा उतना नहीं लग रहा, बट होपिंग कि जब जलेगा तो ये थोड़ी कैंडल वाली वाइब देगा। बट इसका शेप बहुत अनइवन है जैसे कि नॉर्मल कैंडल का होता है, और यहाँ पे इसका बैटरी होल्डर्स है। बस 1 यूरो के 3 कंटेनर मिल गए तो मैं उठा ली, मुझे वैसे तो पता नहीं इसका कहाँ पे यूज़ होगा पर बहुत सस्ते थे तो मैंने ले लिया। सो नेक्स्ट इज द स्टॉम, ये देख के मुझे मोटा चॉपस्टिक लग रहा है लेकिन एक्चुअली में एक टोंग है जिससे आप ऐसे कुछ चीज़ें फ्लिप करनी हो और आपको ऐसे जैसे, और अगर आप फ्लिपिंग में उतना अच्छे नहीं हो, आपको अगर कच्चे तरह से चलाना नहीं आता, जैसे मुझे उतना अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, तो दिस विल बी लॉट ऑफ हेल्पफुल टू फ्लिप थिंग्स अप। नाउ दिस इज द कॉलेंडर, इसमें आप चीज़ें रख के सब्जी रख के धो सकते हैं, बट मैंने इसको एक्चुअली सिर्फ एज ए फ्रूट बोल यूज़ करने के लिए मंगाया था, इसमें मैं फ्रूट्स रख के उनको ऐसे रखूँगी, और मुझे सच में नहीं लगा था इतना ज़्यादा बड़ा है, इसलिए बिगर है मेरे फेस ज़्यादा बड़ा है, हाइट ये होल मेरे फेस ज़्यादा बड़ा है, बट हाइट वाइज इट्स लाइक सेम हाइट ऑफ माई फेस। नेक्स्ट है ये टॉवल्स, और ये टॉवल्स नौ बहुत ही सस्ते में 2 यूरो में शायद 4 मिल गए थे, और ये किचन टॉवल्स है, आपको किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने चारों में 4 अलग प्रिंट दिया है, और इसका एक्चुअली कलर आप चूज़ नहीं कर सकते, जो कलर बोलेंगे वही लेना होगा। आई हैव ऑर्डर 2 प्लेट्स, वैसे इस घर में प्लेट्स तो मुझे मिला है लेकिन मुझे लगा मैं अपने भी 2 प्लेट रख लूँ। सो नेक्स्ट है ये ग्लासेस, ये मैंने एक्चुअली 2 ऑर्डर किए हैं, ये आप इसमें पानी पी सकते हो, इसको आप एज ए वाइन ग्लास यूज़ कर सकते हो, इसमें आप इवन चाय कॉफ़ी भी पी सकते हो, मुझे इसका शेप बहुत ही वर्सेटाइल लगा तो मैंने ऐसे 2 ग्लास ले लिए हैं। नेक्स्ट इज इस फिटेड बेडशीट, तो फिटेड बेडशीट क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल बेडशीट होते हैं उसके 4 कोने में अगर इलास्टिक्स लगा दो तो वो एक्चुअली मैट्रेस को अच्छे से फिट कर देते, और आपको रोज़ उसको मतलब अच्छे से टक करने की ज़रूरत नहीं होती अगर उसको सही साइज में लो तो। ये जो कॉर्नर्स हैं ये इलास्टिक वाले होते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। तो आइकिया में ऐसे क्लोथ स्टोरेज के बैग मिलते हैं, ऐसे कि इंडिया में भी इजीली मिल जाते हैं, ये लोग साड़ी कपड़े विंटर वेयर ही सब स्टोर करते हैं। तो मेरे पास क्लोजेट स्पेस देखने में बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें शेल्फ्स नहीं है, तो दिस विल बी रियली हैंडी। और ये जो फ्लेक्सिबल सी चीज़ है ये एक्चुअली में कटिंग बोर्ड है, तो मुझे एक वुड का कटिंग बोर्ड नहीं चाहिए थे, वो बहुत ज़्यादा काउंटर स्पेस ले लेता और मेरा काउंटर स्पेस उतना ज़्यादा है नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको मैं यूज़ करके फोल्ड करके फिर वापस रख सकती हूँ वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी टू मेनटेन होगा। और मैंने 1 यूरो से भी कम देके बाथरूम वाला मैट भी दिया है। नेक्स्ट इज दिस रंग,
पे आपको शायद कैमरे में पता नहीं चल रहा, मुझे ना छोटे 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 अलग से वीव्स के पैटर्न है। सो ये 3 यूरो 4 यूरो का था, मुझे बहुत सुंदर लगा। ये जो वेट पैकेजिंग में चीज़ है, ये एक्चुअली बॉक्स है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लोग कंपेयर करके भेजते हैं ताकि एक छोटे से डब्बे में सब आ जाए। जैसे ओपन जैसा देखते हैं बॉक्स बनता कैसे है। ये एक्चुअली में बॉक्स इतना सस्ते नहीं है, नॉर्मल कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं जैसे अमेजोन के बॉक्सेस आते हैं, बट दे आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। ये वाला शायद मुझे 3 या 4 यूरो का एक पड़ा, नहीं ये वाला शायद मुझे 2.5 यूरो का एक पड़ा। एंड 2.5 यूरो का कार्डबोर्ड बॉक्स इट्स नॉट दैट गुड। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए छोटे छोटे क्यूट से मसाले होल्डर जिसके ऊपर ब्लैक टॉप है, और एक साइड से ये बहुत ज़्यादा बड़ा होल है और एक साइड से बस स्प्रिंकल करने के लिए छोटे छोटे होल्स हैं। सो ये सेट ऑफ 4 में आते हैं ऐसे, एंड दिस विल गो ऑन टॉप किचन काउंटर। नेक्स्ट इज द कोस्टर्स, शाइनी, इट्स रिफ्लेक्टिव, वेरी गुड फॉर। और इन्होंने 6 का सेट दिया है। आपने वो जो बड़ा वाला पैकेट देखा वो एक्चुअली में मिरर था, और उसको मैं कहीं हैंग नहीं कर सकती क्योंकि वो ड्रिल करना अलाउ नहीं है, लेकिन उसको नीचे सपोर्ट देने के लिए मैंने डोर नॉब्स मंगाए हैं। तो ये डोर नॉब्स ऐसे दिखते हैं, तो अगर इसको मैं नीचे ऐसे लगा दूँगी तो मिरर इसके ऊपर स्टेबल कर जाएगा। तो आइकिया में जो चीज़ बहुत सस्ती मुझे मिल गई वो है वहाँ के एक्सटेंशंस। तो ये 5 यूरो में शायद 2 मिला मुझे 1.5 मीटर का, और नॉर्मली 1.5 मीटर का एक एक्सटेंशन अमेज़ॉन और ये बाकी सारे स्टोर्स में मुझे 5 यूरो का मिल रहा था। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डील, इसको तब खोलेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए हैं ग्लव्स। मैं एक्चुअली खाना पकाते अपने हाथ बहुत जला देती हूँ, तो उसके लिए मैंने फिर ग्लव्स ऑर्डर किए हैं। ये फिर बर्तन धोने में कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ऑलरेडी हाथ में यहाँ पे जल चुका है, मेरा हाथ यहाँ पे जल चुका है, यहाँ पे भी जल चुका है। सो आई थिंक दिस विल हेल्प मी टू अवॉइड दोज बर्न मार्क्स, फिंगर क्रॉस्ड। सो नेक्स्ट आर दीज 2 ब्यूटिफुल वेसेस। तो ये दोनों वेसेस सेल पे थे, ये बस मुझे 99 सेंट्स में दोनों मिल गए, 99 पैसे। और इन्हीं वेसेस में रखने के लिए मैंने ये तीनों फूल ऑर्डर किए हैं, काफ़ी सिंपल और काफ़ी सस्ते थे। तो मुझे दूर से देख के लग रहा है एक्चुअल फल फ्लावर्स हैं, और मुझे पता नहीं कौन से वाले फूल हैं, लेकिन फोटो में इनको इतना बड़ा बड़ा दिखाया था, नॉट एक्सपेक्टिंग कितना छोटा होगा, इट्स ओके। एक्चुअली इतना सामान मैंने ऑर्डर किया है, मुझे खुद ही कोई याद नहीं है, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज हो रही है। अच्छा मैंने ये भी ऑर्डर किया है सोच के। ओह तो ये है एक बेकिंग डिश जिसको आप माइक्रोवेव में या फिर ओवन में डाल के कुछ बना सकते हो, और ये मुझे 50 सेंट्स के इतने सारे हुक्स मिल गए। तो ये एस शेप वाले हुक्स हैं जिसको आप कहीं भी लगा सकते हो। ये एक फेक प्लांट मैंने मंगाया था और ये बहुत ही सस्ता था, मुझे इसका जो डिज़ाइन है नेट पे बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली सामने से मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके साथ जाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का पॉट भी मंगाया, सो नाउ इट कैन बी यूज लाइक दिस। नेक्स्ट इज दिस बिग रग, और ये 10 यूरो का रग था, ये शायद पूरे परचेज में सबसे महंगा मिरर होगा 14 यूरो का, उसके बाद ये ही रग सबसे महंगा है। सो इसमें कुछ ऐसा पैटर्न है, ब्लैक वाइट, एक्चुअली वाइट भी नहीं है, बेज है। तो मेरा पूरा घर का एस्थेटिक ब्लैक और वाइट का है, सो उसके साथ इस सोफे का इट विल गो ब्यूटीफुली। तो अभी मेरे बोझ में बस 3 चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अ स्पैचुला, ये नॉर्मल जैसे करछी होती है वो होती है, मैं इंडिया से करछी नहीं लाई थी, मैं एक बहुत बड़ा स्पून लेके आई थी जिससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, बट आई नीडेड दिस वन। तो ये जो कोविड के जैसे दिखने वाला चीज़ है, इससे एक्चुअली बर्तन साफ करते हैं या फिर आप बेसिन भी साफ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सस्ता था, लाइक 99 यूरो का प्रैक्टिस वाला। वैसे आइकिया में चीज़ें रिटर्न भी होती है, लेकिन उसके लिए शायद कोई स्पेसिफिक डे होता है, वेडनेसडे थर्सडे आपको जाके रिटर्न करना होता है। और चीज़ें तो बहुत सारी मंगाई हैं, लेकिन सारा मैंने 1 यूरो 2 यूरो 3 यूरो का सामान मंगाया है, तो मेरे लिए जाने का वैसा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। द सेकेंड लास्ट थिंग्स आर द हुक्स। तो ये हुक्स इतने बड़े बड़े इसीलिए हैं क्योंकि सक्शन हुक्स हैं, तो आप इसको अगर दीवार में लगा दोगे तो ये सक्शन करके रह जाएगा, इसमें कोई होल कोई ड्रिलिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो विच इज़ रियली ग्रेट, एक्चुअली सोफ़ा में इतना चीज़ें हो चुका है कि मुझे मेरे सीजर्स नहीं मिल रहे हैं। द लास्ट ओके आई थिंक आई फाउंड देम, द लास्ट थिंग इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन नेदरलैंड्स, वो है एक कोट हैंगर। ओ माई गॉड,
मुझे लगा था ये डोर हुक जैसा होगा. सो एक्चुअली आई थॉट ये पूरा सिंगल पीस में आएगा, बट दैट्स नॉट द केस. यू हैव टू स्टिक इट दिस वे. यहाँ पे एक स्टिकर है. सीन ये है कि यहाँ पे हम लोग स्वेटर कोट्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं और उसको अलमारी में रखने को उतना जगह नहीं होता, तो अगर डोर का कोट हैंगर मिल जाए तो आके आप तुरंत उस कोट को बाहर रख सकते हो. या फिर अगर आपके घर में कोई बाहर से भी आए तो उनको उनका सामान तो ऑब्वियसली अपने कबर्ड में नहीं रखोगे, तो उनके लिए भी ईजी हो जाता अगर एक डोर हैंगर हो जिसमें वो अपना सामान रख सकें. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. अगर आपको इसमें से कुछ बहुत अच्छी लगी या फिर किसी चीज़ का लेने का आपको लॉजिक नहीं समझ में आया तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. और अगर आपको IKEA इमेज के बारे में कुछ जानना हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको दूंगी अपने घर का छोटा सा स्नीक पीक. बाय बाय, हैव अ हैप्पी नाइस वीकेंड.